गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अन्नू कुमार। गीता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट सेकंड को स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया था। कुछ कटिंग्स है न्यूज़पेपर की, ये हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट क्या है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड थिंग्स डन। किसी भी कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए जो डिसीजंस ले सके और उन पर एक्शन ले सके, फिर उनको कार्य करवा सके, कंट्री में जो भी हैं थिंग्स, जितनी थिंग्स हो रही हैं उनको करा सके। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कर लिए हमने, ये डिस्कशन हो चुका है। एंड नेक्स्ट, ये मैप मैंने बोला था आपको होमवर्क में, इस मैप को आपको करना है। ये पॉलिटिकल मैप जो मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर में बताया था, मैप के टाइप्स में, ये आपको करना है, नोटबुक में पेस्ट करना है। नेक्स्ट, ये टेबल एज इट इज बनानी है, लोकल स्टेट सेंट्रल नोटबुक में इसको बनानी है, होमवर्क में करना है। और नोट्स भी बनाने हैं, जितने भी टॉपिक गए हैं उन सब के आपको नोट्स बनाने हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट, इसमें मैंने बताया था गवर्नमेंट को लॉ क्यों बनाना चाहिए, क्यों फॉलो कराना चाहिए, उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट हो गया था और मोनार्की, दोनों गवर्नमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये कुछ डिस्कशन के लिए है और आज का टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट को आज हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले, आज से हमारा पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। सो स्टूडेंट्स, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट्स का, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, एकदम बेस्ट रिस्पांस मिला है यूट्यूब पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का, आप सभी का इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। और स्टूडेंट्स, पूरी ताकत के साथ नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना। सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज़ अगर कोई भी वीडियो आपकी सिक्स्थ क्लास का बनेगा, उसको जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर ले चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो इंडिया इज आर डेमोक्रेसी, इंडिया कैसा कंट्री है डियर स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री इंडिया है डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंचुअल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। ये जो हमको डेमोक्रेसी हम लोगों ने ऑप्ट की है, अडोप्ट की है, ये क्या हुआ, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोगों को इसको पाने के लिए हमने बहुत एक लंबा लॉन्ग स्ट्रगल किया है, इवेंचुअल स्ट्रगल के बाद ही हमको ये मिल पाई है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज। वर्ल्ड में और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, पीपल हैं, जिन लोगों ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है किसके लिए, डेमोक्रेसीज के लिए। यू नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सबसे मेन फीचर्स जो डेमोक्रेसी का है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एक्सरसाइज में, अभी देखना आगे, कौन सा फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, कि द पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, पीपल के पास पावर होता है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। सो डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय पीपल, लोगों का ही शासन है, पीपल के द्वारा ही रूल है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ, बेसिक आइडिया यह है कि पीपल क्या करते हैं, खुद से रूल करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग द रूल्स। जो भी रूल्स बनते हैं डेमोक्रेसी में, उसमें पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि पीपल एक तरीके से जो रूल बनते हैं उनके लिए, उसमें खुद से पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं हमारे टाइम में, यूजली रेफर टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब क्या होता है, एक कंट्री है, इतना बड़े कंट्री में से सभी लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, जैसे एक छोटा छोटा स्मॉल सा स्टेट्स होते हैं, और स्टेट्स में से भी बहुत सारे एमपी होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ के लोकल एमएलए हैं, विनोद चावड़ा जी हैं, वो क्या है, हमारे इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में। वो क्या, वो हमारी इस जो
कच्छ एरिया की जो आसपास की भोजी एरिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, यूजुअली रेफर्ड करती है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। पीपल जो है डायरेक्टली, अब इतना होल कंट्री है हमारा, 125 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, इतना सब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, मिलते हैं एंड मेक मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और ये वो रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं असेंबलीज में और पूरा एंटायर पॉपुलेशन, कंट्री का जितना पॉपुलेशन है उसके लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्सेल्फ डेमोक्रेटिक। आज के टाइम में एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती, कह सकती, अनलेस जब तक इट अलाउज दैट इट इज नॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वहाँ पर नहीं होगी तब तक कोई भी गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मीनिंग यह है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या होगा, सभी जो एडल्ट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा वोट के लिए। नेक्स्ट, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम वैन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन इन वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। क्या आप लोग सोच सकते हैं एक ऐसा भी टाइम था जब गवर्नमेंट्स वुमेन्स को और पुअर पीपल को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन। गवर्नमेंट्स के अर्लीस्ट फॉर्म में क्या था, ओनली मैन को अलाउ किया गया था, और वो भी किन किस किस टाइप के, उसको भी कैटेगराइज किया था, जिनके पास प्रॉपर्टी हो और एजुकेटेड हो वही मैन, मैन भी ओनली वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो और एजुकेटेड हो, टू वोट, वही लोग वोट दे सकते हैं। दिस मीन्ट दैट द वुमेन द पुअर एंड प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउडेड टू वोट। इसका मीनिंग ये होगा कि वुमेन्स को, प्रॉपर्टी लेस को, पुअर को, अनएजुकेटेड, इन सबको क्या था, वोट देने का राइट नहीं था, ये सब वोट नहीं दे सकते थे। द कंट्री वॉज गाउंड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मैन मेड। और कंट्री को कैसे गाउंड किया जाता था, रूल और रेगुलेशन से, जैसे कि ये लोग रूल्स को बनाते थे, जो ये लोग कंट्री को गवर्न किया जाता था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे ओनली इन कुछ लोगों के द्वारा जो इलेक्ट करके जाते थे इन्हीं एजुकेटेड रिच पीपल्स में से। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से आपका टॉपिक, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड। एक स्मॉल से ग्रुप को, माइनॉरिटी को अलाउड किया गया था वोट करने के लिए। दे देयर फोर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में क्या था स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ग्रुप था, कुछ बहुत ही कम पीपल्स को क्या किया था, गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत माइनॉरिटीज़ लोगों को अलाउ किया गया था जो गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करते थे, और वही सब लोग डिटरमाइन करते थे पूरा मेजोरिटी, मीनिंग पूरा कंट्री का फेट को, पूरा कंट्री के लिए वो ही डिसाइड करते थे उनका भाग्य। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर सोक्ड, और बहुत सारे पीपल जैसे कि उनमें गांधी जी भी थे वो सोक्ड हो गए थे एट द अनफेयरनेस, इस तरीके के ये जो गलत हो रहा था, अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, इस तरीके की गलत प्रैक्टिस की वजह से, एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट। और उन्होंने डिमांड किया कि सभी एडल्ट को क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसको किस नेम से जाना गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको आप राइट करेंगे अपने नोट्स में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक यहाँ से, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी का एक जर्नल था यंग इंडिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन 1931 में गांधी जी ने अपने जर्नल में लिखते हुए कहा था, गांधी जी सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गोट वेल्थ शुड गेट द वोट। कि ये बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई जो वेल्थ है जिनके पास, जो मैन जिनके पास अमीर है, रिच है, वो ही कि उन्हीं के पास राइट होगा किसके लिए, टू वोट, बट मैन हु हैज़
गोट करेक्टर, बट लेकिन जो मैन ऐसे हैं जो करेक्टर में बहुत अच्छे हैं, गुणवान हैं, बट नो वेल्थ, लेकिन उनके पास वेल्थ नहीं है, लिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, सुड हैव नो वोट, कि उनके उनको वोट का अधिकार नहीं होगा। और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाई स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बींग पुअर मैन। अब उन्होंने कहा कि देखिए, जिसके पास एक करेक्टर में अच्छा इंसान है और वो लिटरेसी नहीं है उसके पास और वेल्थ नहीं है, उसको क्या होगा, वोट राइट राइट नहीं होगा वोट देने का। और एक ऐसा मैन जो ऑनेस्टली वर्क कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, अपना पसीना बहा रहा है दिन रात, और उसके पास भी क्या है, वोट देने का राइट नहीं है फॉर द क्राइम ऑफ बींग ए पुअर मैन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि इसका मीनिंग गांधी जी ने कहा कि जब एक पसीना बहाने वाला दिन रात आदमी के पास भी वोट देने का राइट नहीं है, वो शुड नॉट हैव द वोट फॉर, कि वो वोट नहीं दे सकता, द क्राइम ऑफ बींग पुअर मैन, इसका मीनिंग क्या पुअर होना क्राइम है। गांधी जी ने कहा कि पुअर होना इसका मतलब क्राइम है फिर, कि अगर एक देश के लिए काम करने वाला इंसान, दिन रात पसीना बहाने वाला इंसान भी वोट नहीं दे सकता, ये इम्पोर्टेंट है। और ये यंग इंडिया, गांधी जी का जर्नल था, उनकी एक बुक थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, एक स्मॉल सी स्टोरी दी हुई है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है, देखिए, वोट फॉर वुमेन, ये पूरे वर्ल्ड में वुमेन को वोट कैसे मिला और कैसे उसके लिए स्ट्रगल्स हुए उसके बारे में डिस्कशन है। ये पूरा आपको राइट करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। देखिए, करते हैं इसको, वोट्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए वोट का राइट कब मिला, देखिए, ये काफ़ी लंबी एक स्ट्रगल की स्टोरी है। नवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर, ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड पुअर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। अब देखिए, आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो भी गवर्नमेंट्स ने अपनी इच्छा से शेयर की है पावर को शेयर किया है, किसके साथ, कहाँ कहाँ पे, पूरे यूरोप में, यूएसए में, और किसके साथ शेयर किया है, वुमेन्स एंड पुअर के साथ पावर को शेयर किया है, उनको कुछ राइट्स दिए हैं, ये सब इतनी इजीली नहीं हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन, उन्होंने एक लंबे टाइम तक संघर्ष किया है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए, एक लॉन्ग स्ट्रगल किया है उन्होंने। सो देखिए, वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वुमेन्स ने जो स्ट्रगल वुमेन्स का जो स्ट्रगल चल रहा था, किसके लिए, वोट के लिए, उनको वोट देने का राइट नहीं था स्टार्टिंग से, वो स्ट्रेंथ, वो शक्तिशाली बना कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। वो कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, दिस मोमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मोमेंट। वुमेन्स ने जो वोट के लिए, राइट टू वोट के लिए जो मोमेंट स्टार्ट किया, उस मोमेंट को नेम दिया गया सफ्रेज मोमेंट, एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, और उस टर्म को क्या कहा गया, राइट टू वोट। ये पूरा आपको करना है, राइट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द वार मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, जब वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, बहुत सारे जो मैन थे वो घर से दूर थे, फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे अपनी अपनी कंट्री की साइड से। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर मैंस वर्क, और इसी वजह से जब मैन बाहर थे, फाइट कर रहे थे, बैटल में इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, सो उनकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स को वो काम करने के लिए बुलाया गया जो लोग, जो शुरुआती टाइम पर मैंस के वर्क माने जाते थे, जो जिन वर्क को आदमियों का मैंस वर्क माना जाता था, उन वर्क पर किसको बुलाना पड़ा, वुमेन को। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, बहुत सारी वुमेन्स ने क्या किया, अपने ग्रुप बनाए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क को उन्होंने करना शुरू किया, मैनेज करना शुरू किया। व्हेन पीपल सॉ दिस, और जब लोगों ने ये सब देखा, बिगेन वंडर, उन लोगों को वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन, वो लोग कहने लगे कि हमने क्यों इतने पहले से बहुत ही वुमेन के बारे में स्टीरियोटाइप क्रिएट किए हुए। स्टीरियोटाइप क्या ना, एक फिक्स थिंकिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, जेंडर, कास्ट जेंडर, इन सब के प्रति, ग्रुप इन सब के प्रति हमारा क्या होगा, अगर हमारी फिक्स थिंकिंग है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप।
सो मैं कह रही हूँ कि लोग ये कि बहुत अनफेयर है, ये हमने अनजस्टिस किया है कि हमने इतना बड़ा स्टीरियोटाइप क्रिएट किया हुआ था अबाउट वुमेन, व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग, कि वो क्या कर सकती हैं। वुमेन्स के बारे में स्टीरियोटाइप क्या बना हुआ था कि वो बस क्या है, होम मेकर्स, वो घर के काम करेंगी, ये सब करेंगी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक उनको यही स्टीरियोटाइप बना हुआ था। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बींग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। सो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, वुमेन्स को कैपेबल माना गया, देखा गया उनको कि वो क्या है, डिसीजंस मेकिंग में भी कैपेबल है, और उनको जो भी डिसीजंस लिए गए उनको इक्वल माना गया। अब उनको क्या माना गया, मेन्स के इक्वल माना गया। सफ्रेगेट्स डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स, जो ये ग्रुप था आंदोलन करने वाला, वो उसने क्या किया, डिमांड किया राइट टू वोट सभी वुमेन के लिए, एंड गेट देयर डिमांड्स हियर्ड दे चेंज देम सेल्व टू रेलिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, और अपनी डिमांड, उनकी डिमांड सुनी जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया, लोहे की जंजीरों में रेलिंग्स के पास खुद को उन्होंने बांधा, चेन, लोहे की चेन में उन्होंने क्या किया, जंजीरों में खुद को बांध कर विरोध प्रदर्शित किया सरकार के सामने, ताकि उनको सुना जाए और उनको क्या दिया जाए, राइट टू वोट। मैनी सफ्रागेट्स वर इम्प्रेजेंट, बहुत सारे जो ये वोट का राइट्स मांगने वालों को जेल में डाल दिया गया, वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और वे स्ट्राइक पर गए, एंड हैड टू फेड बाई फोर्स, और उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन्स गोट, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बच्चों, अमेरिका में देखिए, सबसे पहले अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920, 1920 में उनको राइट टू वोट मिला था। वाइल वुमेन इन यूके गोट द वोट ऑन द सेम टर्म्स, और सेम ऐसे ही वुमेन्स को यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूके जो है आज इंग्लैंड है, इंग्लैंड में उनको जैसे कि मेन्स को दिया हुआ था राइट टू वोट सम ईयर्स लेटर इन 1928, मैन की तरह ही, जैसे मेन्स को टर्म्स, जैसे जो टर्म्स मैन के लिए थी वोट देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ 18 ईयर्स अबव के जो मैन एंड वीमन है, अडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इंडिया में क्या है कि 18 या 18 अबव जो भी एडल्ट है उनको क्या है, राइट टू वोट है। सो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना है आपको, सेम इसको करना है आपको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज को डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है भी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट क्या है, वो डिसीजंस मेकिंग्स मेकिंग के डिसीजन लेती है, और व्हाट थिंग्स शुड बी डन, कौन सी चीज़ें की जानी चाहिए, ये सब कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। मैंने अभी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, 5 ऐसे वेज बताने हैं, नीचे कमेंट करके बताओ जो 5 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपकी डेली लाइफ को गवर्नमेंट अफेक्ट्स करती है, कुछ ऐसे वेज बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, गवर्नमेंट्स ने अगर बेटर रोड्स बनाए हुए हैं तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ इफेक्ट होती है। अगर बेटर रोड्स हैं तो आपको क्या होगा, ईजी होगा ट्रैवलिंग करने में, आने जाने में। ऐसे एग्जांपल्स निकालिए जिनसे आपकी लाइफ अफेक्ट होती हो, डेली लाइफ जो आपकी डेली लाइफ की यूज में हो और गवर्नमेंट उसमें कुछ पार्टिसिपेट करती हो। सो नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ, लॉ की फॉर्म में गवर्नमेंट को रूल बनाने की ज़रूरत क्यों है सभी के लिए। ये मैंने अभी पीछे बता दिया कि अगर लॉ बनाए जाएंगे और उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट कोई ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी, गवर्नमेंट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी अगर रूल्स को नहीं बनाए गए और फॉलो नहीं किया गया। नेम टू इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कमेंट करिए नीचे, कमेंट करके बताइए। अभी मैंने बता दिया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 इसेंशियल फीचर्स कौन से हैं, एक तो होगा राइट टू वोट, मैं बता देता हूँ अभी आपको, सेकंड हो जाएगा आपका राइट टू इक्वालिटी, सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट टू इक्वालिटी, और फर्स्ट राइट टू वोट, ये आपके 2 एग्जांपल हो जाएंगे। फिर भी सभी लोग कमेंट करके बताइए, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, बताना है, कमेंट सभी बच्चों को करना है, कमेंट करना ना भूले, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है आपको। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, सफरेज मूवमेंट क्या था, ये अभी मैंने ब्रैकेट वाला करवाया है जो सेक्शन, वुमेन्स को कब वोट राइट्स मिले, व्हाट डिड इट एकम्प्लिस, और ये कब पूरा हुआ, जैसे 1920 में यूएसए में मिला, और यूएसए में मिला राइट,
और 1920 में, सॉरी, और 1928 में कहाँ मिला, यूके में। सारा वो बताना है। वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा जो अभी मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो गांधी जी स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड दैट एवरी इंडियन, ये क्वेश्चन उसी के बारे में बताया कि गांधी जी बिलीव करते थे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, अगर सभी को इलिटरेट पीपल को राइट टू वोट नहीं दिया गया है। ये इसमें आपको पूरा पैसेज कौन सा करना है जो अभी मैंने बताया था, कौन सा बच्चा, गांधी जी का जर्नल, कौन सा, यंग इंडिया वाला जो मैंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। सो वो वाला पूरा पैसेज इसमें करना है, चाहे उसका नोट्स बना लो आप। देखो आपके पास चॉइस है, ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको चाहे तो आप उसको ब्रैकेट वाला कर लिया। अगर देखो मैं नोट्स मेकिंग बता देता हूँ, अगर नोट्स में आपको राइट टू वोट वाला, वुमेन वोट वाला, वो राइट कर दिया है, राइट कर दिया, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज आप उसको ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। और गांधी जी वाला पैसेज उसके वहीं पर क्वेश्चन लिख देना नोट के साथ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अगर इस वाले का भी आपने वो पैसेज जर्नल वाला आपने नोट्स बना लिया, उसका टॉपिक बना लिया, सर टॉपिक में उसको आपने, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको टॉपिक नंबर बना के ऐसे नोट्स बना दिया, राइट कर दिया। सो उसमें क्या करोगे आप, उसी के साइड में यहाँ लिख देना क्वेश्चन नंबर 5 आंसर, बस ये हो जाएगा। इसको इसको सेपरेटली नहीं करना है आपको, फिर से रिपीट नहीं करनी है, आंसर रिपीटेशन नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा चैप्टर नंबर, जो चैप्टर नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर थर्ड हम कर चुके हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वॉइस प्रॉब्लम की वजह से फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ वॉइस की प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक जरूर करें, लाइक एंड कमेंट मस्ट है, लाइक एंड कमेंट करते रहें, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक एंड कमेंट से, मोटिवेशन मिलेगा मुझे बहुत ज़्यादा और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कोई भी आपका सजेशन है, क्यों एक्सरसाइज एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको कैसा लगा, एक्सरसाइज के सोल्यूशन के बारे में भी आप कमेंट करें नीचे। एंड स्टूडेंट्स, पूरी ताकत लगा दो यार, दबा दो सब्सक्राइब बटन, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो। आप सभी का ऐसे ही मेरे साथ प्यार बना रहे, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आप अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कराओ, जल्दी से इसको कराओ, सब्सक्राइब कराओ, आप अपना पूरा कोऑपरेट करो इसमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमसे जुड़ने के लिए, गीता अकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।